क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा। पैसे की कमी है, जॉब का कितना ज्यादा स्ट्रेस है मेरे ऊपर, मम्मा भी नहीं है, एकदम एकदम अकेला सा हो गया मैं, थक गया। I want to quit my life. मैं सोच लिया, I want to quit it forever. क्या हुआ पट्टे, बहुत ही सैड दिख रहे तुम। डोंट वरी, मैं सुन रही हूँ। बोलो क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ यहाँ सुनने। कोई प्रॉब्लम सुन रहे, थैंक यू आप कॉल करे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मंडे ज्ञान एपिसोड नंबर 38। और आज की हमारी टॉपिक है सुसाइडल थॉट्स एंड डिप्रेशन। सो आज हम पहले बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, 34 ईयर्स ओल्ड, हु कमिटेड सुसाइड। एक ऐसा एक्टर जो सेल्फ मेड था, हार्ड वर्किंग और एक रॉ टैलेंट था, जो नेपोटिज्म के बलबूते पे नहीं मगर खुद के बलबूते पे आगे बढ़ा था। और अच्छे मूवीज की थी उसने, MS धोनी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, चिचोरे वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो आज का वीडियो तीन जॉनर्स में डिवाइड होगा। पहला, हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सेकेंड, हम बात करेंगे हर एक इंसान जो सुसाइडल थॉट्स और डिप्रेशन से गुजरता है। एंड थर्ड, हम बात करेंगे हाउ टू डील इट इस्लामिकली। सो लेट्स बिगिन। यस्टरडे सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, 34 इयर्स की एज में, व्हेन यू हैड फेम, सक्सेस, मनी, शोहरत, एंड स्टिल ही डिसाइडेड। इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, शोहरत हर चीज नहीं खरीद सकती। लेट्स ब्रेक डाउन करते हैं हम उसके चीजों को। उसका एक ट्विटर की एक हेडर पिक थी जिसमें एक हेडन मैसेज है। अगर आप गौर से देखो उसमें जो उसकी बैकग्राउंड इमेज है उसका मीनिंग समथिंग ऐसा है कि एक फेमस पेन से गुजर रहा है, स्टारी नाइट सी इमेज है, आप देख सकते हो ये साइड। इससे हमें समझ में आ रहा है कि सुशांत वेंट थ्रू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन। उसके 12th के एग्जाम से पहले उसकी मॉम पास्ड अवे, एंड देन जो उसका लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट है उस पर आप देख सकते हो, उस पर लिखा हुआ है ब्लर्ड पास्ट आई ड्रॉप्स, मतलब वो अपने मॉम को भी मिस कर रहा था, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। उसकी जो एक्स मैनेजर थी दिशा, उसने भी सुसाइड किया था 4 दिन पहले। क्या कुछ फिशी था, वी कैनॉट से। इन एन इंटरव्यू सुशांत ने यह भी कहा कि ही फील्स लेफ्ट ओवर, उसको कोई पार्टी में इन्वाइट नहीं करता, वो प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि शायद वो नेपोटिज्म से आगे नहीं आया, क्योंकि शायद उसका फादर कोई फेमस नहीं है। दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन ऑफ डिप्रेशन। एन एक्टर जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक मशहूर सीरियल पवित्र रिश्ता, देन ही डेब्यूट इन काई पोचे अमेजिंग एक्टिंग, देन MS धोनी, जहां हम सब वी एंटर्ड बींग MSD फैंस एंड वी एग्जिटेड बींग सुशांत फैन, एंड देन चिचोरे, अ मूवी जहां उसने बताया कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। क्या ये फिशी है? खैर, डिप्रेशन से ना सिर्फ स्टार्स, हम कॉमन मैन भी गुजरते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इंडीड फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ऊपर है मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेबिलिटी। डिप्रेशन बहुत लोगों को होता है और कई लोग 70-80% लोग के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हमारे फॉलोअर्स में भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 80% पीपल कभी ना कभी लाइफ में सोचा होगा, मैंने खुद एक दो बार सोचा है, बट हम उससे उभर जाते हैं। हम नहीं कह सकते कि एक इंसान किस चीज से गुजर रहा है अनलेस एंड अंटिल वी डोंट टॉक विथ हिम, और अनलेस एंड अंटिल वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। एक और बात मुझे कहना है कि आजकल क्योंकि कल सुशांत सिंह सुसाइड कर लिया था, तो बहुत सारे लोग ने पोस्ट किया था कि अगर 3 बजे आपको अकेलापन फील हो रहा था, आई एम देयर, आई रेस्पेक्ट दोज पीपल, बट उनमें से कई लोग ऐसे भी है जो ये कमेंट करते हैं, अब इससे बात करूं मैं, अब इन अपनी दुखी आत्मा सुनाता, आ इन तो रोती सूरत है, आ इन तो ड्रामा क्वीन है, आ इन तो चोमू है, जा भाई जा, तो हमेशा सैड रहता छोटी छोटी बातों को। लेकिन नहीं, हम नहीं बोल सकते, उसके लिए वो चीज बड़ी है। सो बी काइंड, लिसन टू इट, शायद आपके एक कॉल की वजह से वो इंसान की पूरी जिंदगी बच जाए।
Right now, the need of the hour is to be a better and a beautiful human being. Not from looks, from inside. It's high time ke hum kind rahe. It's high time hum judge karna chhod de. You know, sarcasm, trolling, roasting is not always cool. Har insaan ye cheeze nahi seh sakta. Bahut saare log depression mein chale jaate hain, which can lead to suicidal thoughts as well. Jahan tak baat aayi hurt feel karne ki, har insaan feel karta hai hurt. Just talk it out. Speak with anyone you want to. जिसको आप बहुत अजीज समझते हो, आप उससे बात करो. And यहाँ मेरा ये भी कहना है कि parents को भी अपने अपने बच्चों के साथ एक friendly behavior रखना चाहिए, ताकि जब बच्चा कुछ चीज से गुजरे तो अपने parents को share कर सके as a friend. And friends need to be supportive rather than criticizing. And sarcasm always does not work, my dear friends. मैं वादा करता हूँ आप सबसे, कभी भी you feel lonely, मैं जोकर बन जाऊंगा, मैं क्लाउन बन जाऊंगा, मैं आपका हंसाऊंगा, बट प्लीज डोंट गिव अप ऑन योर लाइफ. दैट इज माय प्रॉमिस. ये डिप्रेशन शायद इतना भारी हो जाता है एक इंसान के जहन में, दिल में, दिमाग में, कि शायद उसको लगने लगता है कि इतने परेशानियों से बेटर है शायद आफ्टर लाइफ. बट दैट इज नॉट ट्रू. अब हम थर्ड सेगमेंट में बात करेंगे इस्लामिकली हाउ कैन वी हील सच हार्डशिप्स एंड सच बैड थॉट्स. इस्लामिकली ये चीज समझाना ज्यादा इजी है, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो अगर हम समझ जाए ना तो हम कभी सुसाइड का ना सोचे. पहली चीज एक आयत है सूरह अल इंशिराह की, इन्ना मल उसरी युसरा. इसका मतलब है विद एवरी हार्डशिप विल कम ईज. मुश्किलात के साथ साथ एक अच्छी चीज या आसानी भी आएगी. दूसरी चीज सूरह अल बकरा की आयत, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल मोर देन इट कैन बेयर. मतलब अल्लाह एक इंसान को उतना ज्यादा नहीं देते, उतना ही देते हैं जितना वो सह सकता है, ज्यादा नहीं देते. एक और चीज, अल्लाह टेस्ट दोज पीपल हुम ही लव. अल्लाह उनको ज्यादा टेस्ट करते जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते. तो इमेजिन अगर आप मुश्किलों से भी गुजरे तो समझ जाना चाहिए आपको कि अल्लाह आपको टेस्ट करे और अल्लाह आपसे मोहब्बत करते. एंड एक और चीज, इन अल्लाह मा साबिरीन, अगर आप ऐसे टाइम पे सब्र दिखाओ तो अल्लाह आपके साथ भी है. बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. चार चीज और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ, हमारी बॉडी एक गिफ्ट है, एक अमाना या अमानत है अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से. दैट इज द रीजन प्लास्टिक सर्जरी या परमानेंट टैटूज अल्लाह नहीं, हमको प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये जिंदगी, ये लाइफ, ये सब अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है. हमें अच्छे से जीना है एंड अल्लाह की तरफ वापस जाना है. इनल इलाही व इनल इलाही राजीऊन. बस तीन और चीजें याद रखिए, ट्रस्ट अल्लाह पे, भरोसा, तवक्कुल के अल्लाह जो भी करेगा अच्छा करेगा, एंड सबर, पेशेंस अलोंग विद दुआ. ये तीन चीजें एंड दैट इज इट. एवरीथिंग विल गो ब्यूटिफुली. होप द वीडियो इज बेनिफिशियल. जज़ाकअल्लाह खैर. दुआ में याद रखो, कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग लव, बी काइंड. See you in the next episode.